हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल यम मम्स किचन में। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल नए तरह से हम आलू का नया रेसिपी बनाने जा रहे हैं, तो फुल वॉच कीजिएगा तो बिल्कुल ही समझ में आएगा। अभी सीजन आलू का ऐसा है जो मीठा मीठा लगता है तो खाने का मन नहीं करता है, तो इसलिए नए तरीके से हम कुछ ऐसा डिश बनाएंगे जो बच्चे और आप भी सभी को पसंद आने वाला है। तो सबसे पहले हम चार आलू ले लिए हैं, चार आलू से ही ढेर सारा रेसिपी बन के तैयार होगा। तो इसको हम छील लिए हैं, पानी में डाल के अच्छे से धो दिए थे जिससे काला ना हो। तो जब भी आलू छीलिए तो पानी में ज़रूर डाल दिया कीजिएगा। अब छोटे छोटे हम इसको पीसेस में काट देंगे। अब इसको हम मिक्सी ग्राइंडर लेके इसको हम पीस लेंगे। अब इसी में हम दो मिर्ची हरा वाला डाल देंगे तीखा के लिए, दो लहसुन की कलियाँ भी डाल देंगे। पानी नहीं डालेंगे इसमें, ऐसे ही इसको पीस देंगे। तो लीजिए, बिल्कुल स्मूथ पीस गया। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। अब इधर एक साइड में हम कर देते हैं। फिर हम मिक्सी जार ले लेंगे और उसी में हम दो टमाटर काट के रखे थे तो दो टमाटर और अदरक लहसुन भी डाल के पीस लेंगे इसको भी। इसमें भी हम पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही इसको पीसेंगे। कुछ गरम मसाला भी डाल देंगे। तो लीजिए, पीस लिए, इसको एक बाउल में डाल देंगे। अब इसी में हल्दी पाउडर एक चम्मच, मिर्ची पाउडर एक चम्मच, जीरा पाउडर एक चम्मच, इसको अच्छे से मिक्स करके इसको भी हम साइड कर देंगे। अब प्याज हम दो ठोक काट लिए हैं बिल्कुल बारीक से, बिल्कुल छोटे छोटे। तो एक कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें हम तेल डालेंगे। तेल जो भी आप खाते हैं वो डाल सकते हैं। अब एक चम्मच जीरा डाल दिए हैं, इसी में दो तेजपत्ता डाल दिए हैं और गरम मसाला का एक बड़ा इलायची दालचीनी डाल दिए। उसको थोड़ा चटक जाने दिए, थोड़ा कलर चेंज हो गया, तो उसी में हम प्याज डाल दिए। प्याज को भी हम दो तीन मिनट भून लेंगे जिससे इसी का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज हो गया प्याज का, तो उसी में जो टमाटर का प्यूरी था और कुछ मसाला डाले थे उसको डाल के इसको भूनेंगे। इसको भी तीन चार मिनट भून के अच्छे से हम मसाला को पका लेंगे। इधर हम आलू का जो हम प्यूरी बनाए थे उसी में हम बेसन डालेंगे। तो जितना आलू था उतना ही हम बेसन हिसाब से डाल देंगे। तो हम छोटा बाउल से, एक बाउल से थोड़ा कम डाले हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिए हैं, एक चम्मच से थोड़ा सा कम हम जीरा डाल दिए हैं फ्लेवर के लिए, थोड़ा सा हम तीखा अपने अनुसार लाल मिर्च डाल देंगे। इसको भी हम मिक्स कर देंगे और इसमें कुछ नहीं डालना है, फिर भी बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होगा। फ्रेंड्स, एक बार इस तरह से बना के आप खाइएगा तो बच्चे आप मुंह से नहीं छूटेगा, इतना टेस्टी बन के तैयार होगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, जितना फेंटिएगा उतना स्पंजी बनेगा, तो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह का अगर कोई पैकेट घर में हो तो वो ले लीजिएगा, या दूध का थैली हो, या इस तरह का पाइपिंग बैग हो तो वो भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। तो चलिए, हम पैकेट में ही बनाते हैं जो हर घर में अवेलेबल हो। तो इस तरह से एक गिलास ले लीजिएगा, उसमें फोल्ड करके रख के फिर जो भी बेटर होगा उसमें हम डाल देंगे। इसको अच्छे से उठा के हम थोड़ा सा हम टाइट हाथ से उसको लपेट लेंगे और उधर रबर लगा देंगे। इधर मसाला भी अच्छे से भून गया। तो जब मसाला से तेल छोड़ दिया तो समझिए मसाला अच्छे से भून गया। तो उसमें एक कप पानी डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। अब फ्लेम बिल्कुल धीमा कर देंगे। अब एक छोटा सा बाउल ले लीजिएगा और उसके बीच सेंटर में डाल दीजिएगा पलट के।
एक प्लेट ले लेंगे जो उसके ऊपर अच्छे से आराम से बैठ जाए। अब उसके ऊपर से हम थोड़ा सा तेल से उसको चिकना कर देंगे। प्लेट भी गर्म हो गया तो इसका हम ऊपर से मुंह थोड़ा काट देंगे। अब आपको बड़ा छोटा आप अपने अनुसार जितना बड़ा छोटा बनाना है। अब चलिए छोटा बड़ा आप अपने अनुसार बनाएंगे हम। तो देखिए बिल्कुल छोटे छोटे मटर के साइज का ही हम बनाएंगे, इससे बच्चे बहुत ही प्यार से खाएंगे। तो आप साइज अपने अनुसार, तो हम दोनों साइज का बनाएंगे, बड़ा भी बनाएंगे और छोटा भी बनाएंगे। तो देखिए मटर के साइज से हम छोटे 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 सारे प्लेट पे ऊपर हम डालते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, चार ही आलू से ढेर सारा बन के तैयार हो जाएगा। अब एक प्लेट हम डाल दिए, जो बच जाएगा उसका हम दूसरे प्लेट में क्या करेंगे, एक पानी डाल देंगे कोई बर्तन में और उस पर एक प्लेट में डाल के उसको भी 5 मिनट पका लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बन गया, इसको 5 मिनट ढक के हम पका लेते हैं। तो लीजिए 5 मिनट हो गया। तो देखिए जितना डाले थे उसका बिल्कुल आधा हो गया, सूख गया, तो बिल्कुल टाइट टाइट अब हो गया। तो इसको हम चेक करेंगे, तो देखिए दबाने से बिल्कुल टाइट टाइट सॉफ्ट। तब इसको हम प्लेट निकाल देंगे, 5 से 7 मिनट में बिल्कुल आराम से पक जाएगा। अब इधर पानी हम इतना रखे थे जो कि मेरा जला नहीं मसाला। तो पानी फ्रेंड्स इतना सावधानी से रखिएगा जो जले मसाला नहीं, क्योंकि आपको 5-7 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाना पड़ता है। तभी फ्लेम धीमा ही है, तो उसी में हम 1 कप दही भी डाल देंगे। दही को भी अच्छे से हम उसी में मिक्स कर देंगे, अच्छे से चलाएंगे नहीं तो फट जाएगा। इसलिए दही कभी भी डालिए तो बिल्कुल धीमा फ्लेम पे ही। थोड़ा पानी भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो पानी आपको ग्रेवी जितना रखना है उतना आप रख सकते हैं, तो वो पानी जितना रखना है रख दिए। उसके बाद हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। पहले नमक डाले ही थे तो वो हिसाब से आप ग्रेवी के अनुसार नमक डालिएगा। इधर देखिए बड़ा बड़ा भी हम बनाए थे और छोटा वाला जो बनाए थे वो, तो दोनों आपका च्वाइस है। जो भी बच्चे खाना या आप खाना पसंद करेंगे उस तरह से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्लेट से भी निकालना बहुत ही आसान है, हाथ से भी निकालिए या चाकू से भी निकाल सकिए, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। तो बिल्कुल अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट है, तो इसको भी हम निकाल देंगे। बिल्कुल आराम से प्लेट से निकल जाएगा। लीजिए दोनों आराम से निकल गया, तो देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है। तो छोटा बड़ा आप जो हिसाब से आपका मन हो बना सकते हैं। तो इधर ग्रेवी भी मेरा अच्छे से उबाल आ गया है, तब उसी में अब हम डाल देंगे। तो बड़ा छोटा दोनों को हम इसी में डाल देंगे। अब इसको हम मिक्स कर देंगे, 2 मिनट पका देंगे हम। इसके ऊपर से हम कस्तूरी मेथी डाल देंगे, धनिया पत्ता भी आप डाल सकते हैं, जो भी पसंद हो डाल सकते हैं। अब इसको हम 2 मिनट अच्छे से उबाल आने देते हैं। ग्रेवी जितना आपको रखना है उतना आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ही अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा, टूटेगा भी नहीं। बिल्कुल हम आपको दिखाएंगे, टूटेगा भी नहीं उसमें, बिल्कुल आराम से आपको सॉफ्ट सॉफ्ट मिलेगा खाने को। तो आलू का भी सीजन में खाने का मन नहीं करता है, तो इस तरह से अगर बनाएंगे तो बच्चे और बड़े दोनों प्रेम से खाएंगे। तो लीजिए हम दिखा देते हैं। तो देखिए बिल्कुल आराम से कट गया, बिल्कुल पक गया है अंदर तक, ग्रेवी भी चला गया है, टूटेगा भी नहीं, बिल्कुल इतना है। तो लीजिए अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, ग्रेवी हमको इतना ही रखना है। अब चावल के साथ, पराठे के साथ, किसी चीज़ के साथ बहुत ही आराम से खा सकते हैं। इसमें लास्ट में हम थोड़ा सा गरम मसाला रख देंगे, आधा चम्मच। इसको मिक्स करके गैस का फ्लेम ऑफ कर दिए। अब लीजिए हम सर्व करने के लिए, बिल्कुल सब्जी तैयार हो गया। तो हम इसे सर्व करके भी आपको दिखा देते हैं। तो दिखने में भी कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों में हो सके तो शेयर भी करते रहिएगा। सीजन अभी आलू का
खाने का किसी का मन नहीं हो तो इस तरह से बना के वो खा सकते हैं। बिल्कुल चार आलू से ढेर सारा सब्जी बड़ा परिवार में भी बना के वो खा सकते हैं। तो लीजिए वो आओ, कितना सुपर टेस्टी सब्जी बन के तैयार होगा, कोई नहीं बता सकेगा। अगर कोई मेहमान भी आएगा तो कोई नहीं बता पाएगा ये आलू का सब्जी है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी टेस्ट करके बताइए कैसी बनी। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, साथ साथ बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दीजिएगा जो कि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पे मिलती रहे। और जिन लोगों ने फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दिए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स जिन लोगों ने नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ साथ शेयर भी करते रहिएगा। अब बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सही समय पे आपको मिलती रहे। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।